नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पेरीमेनोपॉज के दौरान आपके पीरियड्स में बदलाव। पीरियड्स खत्म होने से पहले के कुछ साल को पेरीमेनोपॉज कहते हैं, जिसमें आपके अंडों की संख्या कम हो रही है, इसलिए आपके ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो रही है। पहली चीज, क्योंकि ईस्ट्रोजन्स की कमी हो रही है इसलिए आपके यूट्रस की लाइनिंग थिन हो रही है, इसलिए आपका वॉल्यूम ऑफ ब्लीडिंग कम हो जाएगा, तो जिसे लड़कियां लाइट पीरियड या स्कैंटी पीरियड बोलती हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि ये वीडियो आप एंड तक देखें, क्योंकि आपको हम वार्निंग साइंस भी बताएंगे। दूसरी चीज़, आपके क्योंकि एग्स कम हो रहे हैं इसलिए अब आपके मंथली साइकिल्स रेगुलर नहीं रहते, कभी तो बहुत जल्दी आते हैं और कभी देर में आते हैं। पर अगर आपके दो कंसेक्यूटिव पीरियड्स की फर्स्ट डे के बीच में 20 दिन से कम का इंटरवल है, तब आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। अक्सर देर में पीरियड आना बिल्कुल नॉर्मल होता है इस एज में, जैसे कि डेढ़ दो दो चार चार महीने में आया, फिर कुछ महीने रेगुलर हुआ और फिर इरेगुलर होकर फाइनली ख़त्म होता है। तीसरी चीज़, लेडीज़ अक्सर बहुत परेशान रहती हैं कलर ऑफ ब्लीडिंग लेके, कि रेड है या ब्लैक है या थिन है, इन चीज़ों से हमें नहीं फ़र्क पड़ता, किंतु अगर उसमें कोई स्मेल है तो वो गलत बात है। आपको बदबू अगर आ रही है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। नेक्स्ट चीज़, आपका ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ये भी बदल सकता है। अगर पहले आपको 3-4 दिन की ब्लीडिंग हो रही थी, अब हो सकता है आपको 1-2 दिन हो या 6-7 दिन हो, पर अगर 8 डेज से ज़्यादा एट अ स्ट्रेच हो रही है तो वो बात गड़बड़ है, डॉक्टर से मिलिएगा। अगली बात, मिस्ड पीरियड्स। जाहिर है अगर लेट आ रहे हैं पीरियड्स तो मिस्ड पीरियड है। अक्सर लोग यही सोच के रहते हैं कि जी अब तो पेरीमेनोपॉज आ गया इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, पर ऐसा नहीं है। अभी भी आपके में अंदर कुछ अंडे हैं जो इरेटिकली कभी निकल सकते हैं और प्रेगनेंसी हो सकती है, इसलिए बीच बीच में प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए अगर आपको ज़रा भी संभावना लगती है। किसी किसी लेडी को इस एज में हैवी पीरियड्स भी होने लगते हैं, जिसका मतलब है कि 8 दिन से ज़्यादा 1 महीने में ब्लीडिंग रही, या फिर आपने पैच या टेम्पोन यूज़ किया हुआ है उससे ब्लीडिंग नहीं रुक रही, अभी भी कपड़ों पे आई जा रही है, या डबल प्रोटेक्शन यूज़ करनी पड़ रही है, या पीरियड आपको पैड या टेम्पोन हर 1.5-2 घंटे में चेंज करना पड़ रहा है, या बड़े बड़े क्लॉथ्स आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपकी ब्लीडिंग हैवी है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इस एज पे इसके पीछे बीमारियाँ न केवल हार्मोन या थायराइड की प्रॉब्लम्स, बट रसौलियाँ, कैंसर, यूट्रस की लाइनिंग थिक होना, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, कई सारी प्रॉब्लम्स छिपी हो सकती है जिनका टाइमली इलाज होना ज़रूरी है। इसके अलावा वार्निंग साइंस, जब आपको डॉक्टर से मिलना है, अगर 2 पीरियड्स के बीच में आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही है, या मीटिंग के बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, या आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है, जिसका मतलब है पीरियड खत्म होने के बाद 12 महीने हो गए फिर आपको ब्लीडिंग चालू हो जाती है, तो ये तीनों परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। इसमें आपको चेकअप के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि पीछे गड़बड़ बीमारियाँ छुपी हो सकती हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा। अगर यस, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर हेल्थ फ्रेंडली चैनल गायनीपीडिया। वी शैल सी यू सून विद अनदर वीडियो।